नमस्कार मित्रों, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण के मनोवैज्ञानिक घटक के सब्जेक्ट के ऊपर जो टेस्ट पेपर अपलोड किया था उसी की आंसर की लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं। बिना समय व्यर्थ गंवाए उत्तर माला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था, निम्न में से किसे प्रशिक्षण का मनोवैज्ञानिक घटक सर्वाधिक सहायता करता है। चारों ऑप्शन में से हमें एक को कि किसे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा घटक करता है। तो देखिए, चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं। जूनियर खिलाड़ियों के अंदर साइकोलॉजिकल कोर थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन टीम को भी कर सकता है, टीम की तकनीक को भी कर सकता है और टीम के सीनियर खिलाड़ियों को भी कर सकता है। लेकिन इसने कहा है सर्वाधिक मदद किसको करता है। तो देखिए, जब सीनियर खिलाड़ी अपनी एज को जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाता है तो उसका फिजिकल कंपोनेंट जो है वो डाउन हो जाता है, टेक्निकल कंपोनेंट उसका अपने आप ही हायर रहता है, जिसकी वजह से वो टीम की टैक्टिक्स के अंदर सर्वाधिक योगदान दे पाता है। अब उसे ज़रूरत क्या होती है, केवल अपने इस टैक्टिकल पार्ट के अंदर जो उसे योगदान देना होता है वह साइकोलॉजिकल, मतलब अपने मन की शक्ति से, अपने विश्वास से, कॉन्फिडेंस से वो उनका साथ दे पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वह ऑप्टिमम स्टेज पर पहुंच चुका होता है जहां पर वह तकनीक को स्किलफुल कंडीशंस के अंदर बदल चुका होता है। उसे केवल आवश्यकता यह होती है कि मैं टीम के अंदर डटा रहूं। इसीलिए कहा जाता है कि टीम के सीनियर खिलाड़ी धैर्यवान होते हैं, उनके अंदर चूंकि फिजिकल कॉम्पोनेंट डाउन होता है, वह उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ शरीर के अंदर होता है, तो वो साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना बिल्टअप कर लेते हैं कि जहां फिजिकल कंपोनेंट डाउन होता है वहां इसका प्रयोग करते हुए टीम की सहायता कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है द, टीम के सीनियर खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन मानसिक गतिशीलता पर सर्वाधिक आधारित होता है। निम्न में से कौन मानसिक गतिशीलता पर सर्वाधिक आधारित होता है, और जैसा कि हमने इसका उत्तर पढ़ लिया, टेम्परामेंट, हमारा स्वभाव, स्वभाव यह स्थितियों के ऊपर आधारित होता है कि अभी मेरे मन के अंदर कैसी स्थिति चल रही है, मेरी फीलिंग कैसी है, वैसा ही मेरा मूड हो जाएगा। इसे मूड भी कहा जाता है, टेम्परामेंट को बेसिकली इसे स्वभाव कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो मूड या टेम्परामेंट हमारी मेंटल प्रोसेस के ऊपर होता है। अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो आपको अच्छी दिखाई देंगी, और अगर मैं गंदा फील कर रहा हूँ तो मैं अपने आप ही मेरी एक्टिविटीज़ जो है, मेरा मूड जो है वो ख़राब हो जाएगा, और मैं यही कहूँगा कि मूड ख़राब है यार, प्लीज़ मुझसे डिस्टर्ब मत करो। अगर मूड अच्छा है तो मैं कहूँगा हाँ कोई भी बात जो है वो आप बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर है टेम्परामेंट, जिसे मूड भी कहा जाता है, स्वभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन डिग्री ऑफ एफर्ट पर निर्भर करता है। डिग्री ऑफ एफर्ट का मतलब होता है लगाए गए प्रयास की दर। मैं प्रयास कब लगाऊंगा, जब मुझे कोई मोटिवेट करेगा। मैं अपना दुगना प्रयास कब लगाऊंगा, जब मुझे कोई प्रोत्साहित करेगा। अब वो प्रोत्साहन बतौर कोच के भी हो सकता है, या कोई मॉनेटरी अवार्ड भी हो सकता है, रिवार्ड भी हो सकता है, दर्शकों का प्रोत्साहन भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है मोटिवेशन। मैं डिग्री ऑफ एफर्ट तब ज़्यादा लगाऊंगा जब मुझे मोटिवेट कोई करेगा, और मोटिवेट करूंगा तो मैं अपने आप एक्टिव हो जाऊंगा। तो पहला इसका सही उत्तर है मोटिवेशन, मतलब इसका सही उत्तर मोटिवेशन है, बाद में मैं एक्टिवेशन जाऊंगा। डिग्री ऑफ एफर्ट जो है मोटिवेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, इन्वर्टेड यू थ्योरी का सीधा संबंध किससे है। तो देखिए, इन्वर्टेड यू थ्योरी को उल्टा यू की थ्योरी कहते हैं। उल्टे यू में, जैसे यू को आप उल्टा कर दीजिए, एक लाइन ऊपर जाएगी, फिर एक कर्व बनाएगी और फिर वह लाइन नीचे आएगी। इसे एक्टिवनेस से लेकर जोड़ा गया है कि जब हम लोग खेल प्रदर्शन की बात करते हैं तो खेल प्रशिक्षण के अंदर हमारा प्रोग्रेशन अप होना चाहिए, फिर प्लेट्यू, पठार आपने सुना होगा, फिर वह मेंटेन होना चाहिए, और जैसे जैसे हमारे थकान आती जाती है वह डाउन जाता है। लेकिन यह कहा गया है कि एक्टिवनेस एकदम से भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। याद कीजिए, वार्म अप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वार्म अप, हार्ट रेट की ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं। अगर एकदम से पूरा प्रोग्रेस कर दिया तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे मेरा खेल प्रदर्शन जो है प्रभावित होगा, और यह सेकेंड विंड की स्टेज, स्टिच इनसाइड की स्टेज भी कहलाती है। और यह कहा जाता है कि एक्टिवनेस एकदम से डाउन भी ना हो, मतलब एक्टिवनेस का एकदम से प्रोग्रेशन और एकदम से डाउनफॉल दोनों गलत कहा गया है। इसका संदर्भ आप लोग वार्म अप की थ्योरी से लेकर जोड़ सकते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ वार्म अप और ग्रेजुअल डिक्रीज इन कूल डाउन। तो यह एक्टिवनेस की इन्वर्टेड यू थ्योरी कही जाती है। अगला प्रश्न,
किसे जन्मजात कहा जाता है? तो देखिए, जन्मजात व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बोलने में वाचाल है, कोई खिलाड़ी है, कोई पढ़ने में बुद्धिमान है। तो ये सब व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो जन्म के साथ ही व्यक्ति के अंदर आती है। एक्टिवनेस, मोटिवेशन को हम लोग अर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और जो ये व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, ये व्यक्ति का चरित्र कहलाती है। लेकिन जन्मजात विशेषताएं आती हैं, विशेषताएं बाद में जाकर चरित्र बनती हैं। विशेषताओं को मैंने आपका बता दिया, जैसे किसी का सोफिस्ट होना, किसी का डर्मेटिस्ट होना, किसी का टॉकेटिव होना, किसी का फेमिनाइन होना। ये सारी अपनी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आदमी जन्म से लेकर ही पैदा होता है। अगला प्रश्न, भावावेश से पैदा गुण को क्या कहा जाता है? भावावेश मतलब परिस्थितिवश जो गुण हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। देखिए, गुण क्या होता है? गुण एक स्थायी संपत्ति होती है। लेकिन इसने कहा है कि भावावेश से पैदा गुण मतलब परिस्थितियों से अगर कोई गुण पैदा हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसे व्यक्ति की मनोवृत्ति कहा जाता है। मतलब मन से पैदा होने वाली वृत्ति, और मनोवृत्ति को ही व्यक्ति का दृष्टिकोण कहा जाता है, देखने का नजरिया, कि वह किसी भी चीज को किस तरह से देखता है, और यह एटीट्यूड कहलाता है। अंग्रेजी के अंदर इसको एटीट्यूड कहा जाता है, मनोवृत्ति या दृष्टिकोण को एटीट्यूड। तो इसका सही उत्तर है एटीट्यूड। अगला प्रश्न पुरस्कार से संबंधित है। तो देखिए, जैसा अभी एक प्रश्न को हमने घुमाकर डाल दिया है, दूसरा मैंने इसका अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, पुरस्कार से संबंधित मोटिवेशन है। अगर कोई क्रिकेटर किसी मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो उसके सामने एक एम होता है मैन ऑफ द मैच, उसके सामने एक एम होता है कुछ अर्न करना, उसके सामने एक एम होता है सोशल रिवार्ड्स मतलब समाज के अंदर एक दर्जा मेंटेन करना। तो मोटिवेट आदमी मोटिवेट तभी होता है जब उसके सामने कोई रिवार्ड रखा हो, कोई अवार्ड रखा हो, या उसके सामने कहीं ना कोई एक टारगेट हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे परिवार हो, चाहे यार दोस्त हो, और चाहे वो मॉनेटरी अवार्ड हो, चाहे वो गैलेंट्री अवार्ड हो, किसी भी तरह का, लेकिन वह एक रिवार्ड अवार्ड की फेज होनी चाहिए। मोटिवेशन से संबंधित होता है। इसका सही उत्तर है मोटिवेशन। अगला प्रश्न, एक खिलाड़ी आउट होने पर भी चुपचाप पेवेलियन चला जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, अब एक खिलाड़ी आउट हो गया, यह क्या है? यह एक परिस्थिति बनी, और परिस्थिति बनी उस पर भी वह चुपचाप पेवेलियन चला जाता है, इसे क्या कहा जाता है? यह उसका एटीट्यूड है, मतलब उसकी मनोवृत्ति है। उसने परिस्थितियों के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपना स्वभाव जाहिर नहीं किया, उसका टेम्परामेंट अप एंड डाउन नहीं हुआ। इसका मतलब यह उसका एटीट्यूड है। जो परिस्थितिवश हमारा गुण पैदा होता है, तो उस खिलाड़ी के अंदर गुण था सहनशीलता का, धैर्य का गुण था, जो उस परिस्थिति के अंदर भी बरकरार रहा। अगर यही खिलाड़ी गुस्सा हो जाता तो भी यह उसका एटीट्यूड ही कहलाता, क्योंकि यह भी परिस्थितिजन्य उसकी मनोवृत्ति कही जाती। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वह परिस्थितिजन्य मतलब परिस्थितिवश आउट होकर चला गया तो भी उसने अपने टेम्परामेंट को स्थायी बनाए रखा, यह उसका एटीट्यूड कहलाया। तो मित्रों, अंतिम प्रश्न, सॉरी सेकंड लास्ट प्रश्न, व्यक्तिगत विशेषताओं के सकारात्मक पक्ष का सही युग्म है। हमने आपको बताया कि जब इंडिविजुअल स्पेशलिटीज की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वह किसी भी काम के प्रति दृढ़ता पूर्वक समर्पण के साथ कार्य करता है। लेकिन जो नकारात्मक पक्ष वाला व्यक्ति होता है वह डिपेंडेंट हो जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ को इन्वॉल्व कर लेता है। तो सकारात्मक पक्ष का सही उत्तर है दृढ़ता और समर्पण, रिजिडनेस और डेडिकेशन। अगला और अंतिम प्रश्न, मैच में कोच का टीम को लगातार निर्देश देते रहने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैच में टीम कोच लगातार निर्देश दे रहा है, टीम को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन मोटिवेट करने के लिए लगातार उसको क्या बना रहना पड़ रहा है? एक्टिव बना रहना पड़ रहा है। तो यह उसकी एक्टिवनेस कहलाती है। चाहे वो टीम को मोटिवेट करे, चाहे टीम को कोई मार्गदर्शन दे, यह सब उसकी एक्टिवनेस है। टीम के अंदर उसकी लगातार एक्टिवनेस से टीम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रश्नों की सीरीज हमने अब आपके सामने कंप्लीट कर दी है। आशा करता हूँ कि प्लेलिस्टों के माध्यम से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे, और कोर्स जो है प्लेलिस्टों के माध्यम से आपको जीरो से मिलेगा, मतलब सिलसिलेवार तरीके से मिलेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भरत सिंह गुर्जर फिर से।